हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट भी बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी जो हम लोगों ने सोचा था। अब कल की मार्केट पे हम लोगों ने डिस्कस करा था कि मार्केट पे दो सिनेरियो हो सकते हैं, और अगर दोनों सिनेरियो में कुछ भी वर्क करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। पहला सिनेरियो ये था कि FII का जो डाटा था वो स्ट्रांग था, वो बुलिश था, पर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस पे चार्ट्स वीक थे। तो किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, बिकॉज वहां पर हम लोगों को बाई साइड दिखा रहा है और टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोगों को सेल साइड, तो उसको मोल्ड करके हम लोग दो ऑप्शंस के साथ आए थे। वो दो ऑप्शन क्या थे कि हमने सेल तो बिल्कुल भी नहीं करना, बिकॉज अगर FIIs बाय कर रहे हैं और ये अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे है, यस मार्केट बियरिश है बट अपने सपोर्ट लेवल पे है, तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे जब तक कुछ मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे। सो हम लोगों ने दो सिनेरियो लिए थे। दो सिनेरियो क्या थे, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन में स्टार्टिंग में ही 10 मिनट के अंदर हम लोगों को एक रिकवरी दिख जाती है, आ रही है रिकवरी, ग्रीन कैंडल बना रही है, हम सीधा लॉन्ग करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है और हमने जो एक चैनल क्रिएट करा था उस चैनल के ऊपर चली जाती है तो भी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। अगर वहां से मार्केट नीचे आती है और जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती है हम ट्रेड लेंगे। तो आज के मार्केट पे सेकेंड सिनेरियो फुलफिल हुआ। चलो जाके एक बार स्टडी करते हैं। उसके अलावा जो मैंने 3 स्टॉक्स दिए थे, टाटा एलेक्सी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अंबर एक स्टॉक आपको दिया था वो खुला ही बहुत ह्यूज गैप डाउन पे, बिकॉज उसका जो क्वार्टर का रिजल्ट था वो अच्छा नहीं आया था तो उस पर तो कोई ट्रेड इनिशिएट भी नहीं हुआ। इसके अलावा JTL इंफ्रा था वो हमारे पास अभी भी स्टेल होल्ड है। तो आज देखते हैं कौन से स्टॉक्स पे काम कर सकते हैं, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप होगा। FII का डाटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ, मैं वीडियो से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। अब निफ्टी के चार्ट पे हम लोगों ने जो कल डिस्कशन करा था एग्जैक्टली जो क्लोजिंग थी ये क्लोजिंग थी इस लेवल पे, एंड हमारा डिस्कशन था ये बहुत अच्छे सपोर्ट पे है। अगर ये सपोर्ट लेवल गैप डाउन के थ्रू ब्रेक होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे शॉर्ट का, हम लोग बस वेट करेंगे देखने के लिए कि मार्केट क्या यहाँ से बाउंस करती है। अगर करती है, बिकॉज करनी चाहिए थी क्योंकि FII का डाटा स्ट्रांग है, ठीक है। और हमने कल बात करी थी कि FII हमें ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, और आज उन्होंने दोनों सिनेरियो में करती है, और आज सेकंड सिनेरियो में उन्होंने करा भी है। लेट मी शो यू आज क्या हुआ। आज एक बहुत अच्छा गैप अप देखने को मिला। जब वो एक गैप अप देखने को मिला, हमने बोला था ना ये एक चैनल बना हुआ है, चैनल के अगर ऊपर जाता है हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना, हम लोगों को वेट करना है जब ये नीचे आएगा। अच्छा खासा नीचे आया, इधर आया, यहाँ पर जितने लोगों ने भी यहाँ पर शॉर्ट करा होगा वो सारे के सारे कॉल राइटर्स ट्रैप हुए, एंड यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। एज यू कैन सी इट हियर, एक बहुत बढ़िया बुलिश बियरिश कैंडल थी, एंड आफ्टर दैट एक ग्रीन कैंडल का सेंटिमेंट जैसे ही स्टार्ट हुआ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू वहाँ पे कि अब आपको बाय कर लेना है टेलीग्राम चैनल पे। जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम आपको बता दिया था कि अब आपको लॉन्ग जाना है, शॉर्ट की पोजिशन कैरी ऑन करके मत चलना। आफ्टर दैट हमने बहुत अच्छा सिनेरियो देखा था, कुछ लेवल्स ब्रेक करे, अच्छा ये लेवल था, ये लेवल्स भी ऊपर की तरफ गया, बट आफ्टर दैट वो दोबारा फेल हो गया, ठीक है। देन इट ट्राइड अगेन बट अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया, एंड अगेन नीचे आ गया। अब यहाँ पे चल क्या रहा है, अगर हम लोग डाटा देखें, हमने आप लोग को ऑलरेडी बोल रखा है कि हमें कोई भी ओवरनाइट पोजिशंस नहीं बनानी है, हमें मार्केट के अंदर जो सिनेरियो दिख रहा है उस पर हम निफ्टी में 50 पॉइंट्स तक क्या कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट्स तक हमें वो मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ से एग्जिट कर लेंगे जब तक हमें कोई दूसरा ट्रेड नहीं मिलता, ठीक है। तो एग्जैक्टली दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, तो कोई भी ओवरनाइट पोजिशन बना के मत चलो, क्योंकि मार्केट अगर अपनी पूरी 6 घंटे की मार्केट पे वो डायरेक्शनलेस है, वो कभी ऊपर जाता है तो उसी टाइम नीचे आ जाता है, फिर नीचे से एक बुलिश मूवमेंट आ जाती है, फिर ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो मार्केट अभी अनसर्टेन है, उस पर हमें जहां पर डायरेक्शन में ट्रेड मिल रहा है ले और तुरंत निकलो, ठीक है। वो हमारी अभी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब तक कुछ मेजर लेवल्स ब्रेक ही नहीं होते हैं, अपर साइड में या लोअर साइड, ठीक है। तो यहां पर हम दोबारा स्टडी करते हैं अब करना क्या है। हमें इतना तो पता चल गया कि ये जो लेवल है ये लेवल एक बहुत स्ट्रांग लेवल है, दैट इज 15,730-735 रुपीज का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 15,670 रुपीज़ का, जो कि ऑलमोस्ट आपको ऑन अ डेली टाइम फ्रेम दिख जाएगा, बट मेरे हिसाब से आप शायद ऑन अ लोअर साइड के लेवल्स ब्रेक ना हुए, क्योंकि अगर आप चेक करोगे ना क्या चल रहा है, सी दिस, मार्केट फॉल करती है, हल्का सा ऊपर जाती है अगेन फॉल करती है, हल्का सा ऊपर जाती है अगेन फॉल करती है, ठीक है। बट यहाँ पर मार्केट ने क्या करा है, मार्केट फॉल करी, ऊपर गई, अगेन इसने डबल बॉटम क्रिएट करा, ऊपर गई नीचे आया, इस लो को भी ब्रेक नहीं करा, अगेन ऊपर गई। तो यानी कि जो इतने टाइम से हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे थे ना 18,000 रुपीज के लेवल से,
वहां पर अब जाके ये जो लेवल है यहाँ पर पॉज ले रहा है, तो यहाँ पर सेलिंग करना इस पॉज में इट्स नॉट एन गुड ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट तभी करेंगे जब 615,670 के नीचे जाके मार्केट क्लोज करती है, रिमेंबर दैट, ठीक है। उससे पहले हमें शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना। अब बात आती है लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज की। तो गाइस लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज के लिए मेरे हिसाब से ना अब कुछ ना कुछ बाइंग कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स एक्टिव होंगे, और जैसे पुट राइटर्स एक्टिव होते हैं और वो मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करती है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होगा, ठीक है। एक बार चलो स्टडी कर लेते हैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा। तो हैवी कॉल राइट पुट राइटर्स एक्टिव हैं एट 15,800 पे, क्लोजिंग भी एक्जैक्टली उसी के पास हुई है 15,840 पे। हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव हैं 900, 16,000, 16,100, 16,200 पे। तो यहाँ पर हम अगर हम मान के चलें तो आप ओवरऑल डाटा अगर देखो तो टोटल पुट्स है 43 मिलियन एंड टोटल कॉल है 85 मिलियन, यानी कि डबल का डिफरेंस है, यानी कि कॉल राइटर्स अभी भी बाहरी है। ऊपर जाने में प्रॉब्लम आएगी, ऊपर जाएगा जाने में प्रॉब्लम आएगी और ऊपर पे सेलिंग आएगी, बट नीचे भी सपोर्ट है। सो दैट मींस एक रेंज बाउंड है हमारी मार्केट कि ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं नीचे तक के लेवल्स के लिए, नीचे लॉन्ग कर सकते हैं ऊपर तक के रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आप क्लियरली समझ गए होंगे। एक बार बैंक निफ्टी को भी स्टडी कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे क्या हुआ आज, यहां पर आप चेक करिएगा। बैंक निफ्टी में ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, एग्जैक्टली इस लेवल को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एंड अगर हम यहाँ स्टडी करें, इस लेवल पे क्लोज करा था, हमारी जो वर्डिंग थी वो थी कि हमें बैंक निफ्टी में ही नहीं चेक करना कि गैप अप हो या गैप डाउन हो, और हमें सेकेंड फर्स्ट सिनेरियो कुछ नहीं लिया था। हमारा बस सिनेरियो ये था कि अगर ये इस लेवल के ऊपर जाके कैंडल क्लोज करती है तो हम अपना बाय पोजिशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट ये होगा। तो ऑलमोस्ट इसके ऊपर जब क्लोजिंग दी, पहला टारगेट अचीव, सेकंड टारगेट अचीव, अगेन इट क्रिएटेड दिस टारगेट, ठीक है। तो फ्रॉम माय साइड बैंक निफ्टी इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। बैंक निफ्टी ना ज्यादा फॉल कर रहा है ना बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मुझे अपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी लग रही है, क्योंकि जब वो बढ़ना स्टार्ट करता है एज कम्पेयर टू निफ्टी तो वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा होता है। सो बैंक निफ्टी का अगर ओपन इंटरेस्ट का डाटा स्टडी करें तो वो क्या दिखा रहा है। सो बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के डाटा में बहुत अच्छा डाटा दिख रहा है ऑलरेडी। अगर आपने अभी पुट निफ्टी में देखा है, निफ्टी में अगर आप देखो तो आपको ज़्यादातर कॉल ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादातर पुट ऑप्शंस दिख रहे हैं, कॉल ऑप्शन आपको दिख रहा है सिर्फ 33,700 पे। अभी प्राइस चल रहा है 33,600 पे। इसके अलावा 34,000 के कॉल राइटर्स अनवाइंड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं टोटल है 17 मिलियन का पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स 24, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और आज जो पोजीशंस ऐड ऑन हुई है 6.4 मिलियन ऐड ऑन हुई है पुट राइटर्स पे, और कॉल चेंज पे कुछ नहीं हुआ ज्यादा। सो आई थिंक नीचे बेस बन रहा है, तो बाय ऑन डिप्स करने की ज्यादातर कोशिश करते हैं रादर देन सेल ऑन राइज की, ठीक है। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हमें इंट्राडे में पैसा दे सकती है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, जैसे कुछ प्रॉफिट हो निकल जाओ, पूरे दिन भी मार्केट में एक ही चीज को होल्ड करके मत रखना, क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, कुछ टाइम आपको प्रॉफिट दिखाएगी अगेन लॉस दिखाएगी, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट अचीव होता है एग्जिट फ्रॉम दैट पोजीशन, ठीक है। तो चलते हैं एक बार दोबारा अपने स्टॉक स्पेसिफिक्स पे। एंड स्टॉक स्पेसिफिक पे सबसे पहला स्टॉक है पीपीएल। यहां पर हम चेक करके आपको दिखाते हैं पीपीएल का शेयर। लेट्स ओपन अ वन आवर टाइम फ्रेम, एंड विद वन आवर टाइम फ्रेम बहुत अच्छा स्टॉक हम लोगों को लग रहा है। एज यू कैन सी इट हियर कंटिन्यूअस बेसिस पे लोअर लोज लोअर हाइज फॉर्म हो रहे थे, अब ये ऊपर जा रहा है। अब इसके लिए ना छोटा सा रेजिस्टेंस है, दैट इज अभी करंट प्राइस है 183 रुपीज का। हम टारगेट भी ले सकते हैं जो एक रेजिस्टेंस है कल के लिए। रेजिस्टेंस ये है कि 186.50-187 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो कि इसका प्रीवियस विंग हाई है। अगर ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमें अच्छे से देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक मैं अभी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये कल बड़ी मूवमेंट दे देता है तो शायद हम इसे मिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं देता तो आने वाले एक दो दिन के अंदर इसमें एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर ये 188 के ऊपर 187 के ऊपर जाता है तो। इसे वॉच लिस्ट के अंदर रखेगा, कोई भी अपडेट मिलता है, ऑलरेडी टोल्ड यू माय टेलीग्राम चैनल, तो वहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक इज BEL। अब इस BEL पे हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। मतलब डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये लेवल का एक रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया विद अ वेरी गुड गैप अप, गैप अप के साथ कंटिन्यू भी कर रहा ट्रेंड, दैट मींस कि ये लेवल एक अच्छा लेवल है। अब नीचे आया एग्जैक्टली इस लेवल पे इसने क्या करा,
आप देख सकते हैं हॉल्ट एंड एक बहुत अच्छी बुलिश मूवमेंट दी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 पांच दिन की कैंडल्स के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है अपने, तो बहुत अच्छी कैंडल्स की मूवमेंट है। लेट मी ओपन अ डेली आर्ली टाइम फ्रेम। ऑन आर्ली टाइम फ्रेम यहाँ पर इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एज यू कैन सी इट हियर, और इस लेवल के ऊपर जा रहा है। लेट मी यूज अ मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर जो हमें पता चल जाए कि कुछ मेजर लेवल्स हैं वो ब्रेक हुए कि नहीं हुए। यस, तो मेजर लेवल्स भी दिखा रहा है कि ये लेवल्स ब्रेक ऑलरेडी हो चुके हैं एंड इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे चुका है। तो BEL में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी वी कैन इंप्लीमेंट, अदरवाइज कल ही अगर ऊपर भी खुलता है या इस लेवल से भी ऊपर जा रहा होता है देन ऑल्सो वी कैन बाय। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट्स कि टारगेट्स क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी यूज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एंड बाय यूजिंग अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेट मी यूज ओपन दिस एज वेल। सो फर्स्ट टारगेट शुड बी 332 रुपीज, अभी जो प्राइस चल रहा है 226 का प्राइस चल रहा है सॉरी, एंड द टारगेट शुड बी 232 एंड द नेक्स्ट टारगेट शुड बी 237-238 रुपीज का। इसको भी एज अ वॉच लिस्ट आप लोग जरूर रख के चल सकते हैं। आवर लास्ट स्टॉक इज NIIT लिमिटेड एंड लेट मी ओपन अ डेली टाइम फ्रेम ऑफ दिस एज वेल। जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ लेट मी यूज अ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत अच्छा सपोर्ट लेता है ये पर्टिकुलर स्टॉक और एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर है एज यू कैन सी इट हेयर। जैसे इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही सेम चीज़ हुआ, तो यहाँ पर भी हम ये चीज़ देख सकते हैं, इसके नीचे गया ऊपर रिजेक्शन मिला और अब ऊपर जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हम डेफिनेटली काम करके चल सकते हैं। एज यू कैन सी इट हेयर ये एक छोटा सा हर्डल है, इस लेवल पे एक फॉल आया था आप देख सकते हैं। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कैंडल्स की मूवमेंट, ये एक बहुत बड़ी कैंडल थी, इसके 50% तक रिकवर भी नहीं कर पाया था, एक शार्प फॉल आई थी, तो मैंने इसका 50% लिया एज अ टारगेट। सो आर करंट प्राइस इज 472 एंड अगर ये बाय ऑन डिप्स भी देता है मतलब 4-5 रुपए नीचे आता है और वहां से एक रिवर्सल दिखता है देन ऑल्सो वी कैन बाय, अ टारगेट शुड बी 490 रुपीज का। बट अगर 490 भी ब्रेक होता है ना ऊपर की तरफ पे तो भी हम लोग इस पे एवरी डे इंट्राडे में कोई ना कोई ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो वॉच PPL, BEL एंड NIIT लिमिटेड। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज डू मेक श्योर कि आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें। इसके अलावा वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आर लॉन्च्ड आर कोर्स, आपको अगर उसकी सारी डिटेल चाहिए द 1st of June से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। EMI के ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे चेक कर सकते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे।